विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत मैरा के सुखाल गांव में आज हेल्थ केयर फाउंडेशन के जिला संयोजक रोहित भास्कर ने संस्था की तरफ से अश्वगंधा की खेती का वृक्षारोपण किया। उन्होंने बताया है कि इसकी खेती पारंपरिक खेती से अलग है और इसके पौधे औषधीय पौधे हैं और इसकी पारंपरिक खेती से ज्यादा पैदावार होती है, लाभ भी ज्यादा होता है। इसके पौधों का फार्मेसिया में प्रयोग करके दवाई बनाने का काम होता है और सरकार भी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करती है और इसमें सब्सिडी भी मिलती है जिससे किसानों को भी लाभ मिलता है। उन्होंने बताया है कि आयुर्वेदिक विभाग में सुरक्षा चक्र योजना के अंतर्गत अलग अलग जिलों में इसका नाम करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि अश्वगंधा का रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्रयोग लाभप्रद है और अश्वगंधा कई प्रकार की बीमारियों के इलाज में काम आता है। रोज हिमाचल अपडेट में आपका स्वागत है। ये जो अश्वगंधा की जो खेती यहाँ पर के पौधे लगाए जा रहे हैं, इसका क्या क्या लाभ है जरा बताएंगे दर्शकों को? अश्वगंधा का ये लाभ है कि ये एक पारंपरिक खेती से अलग है और औषधीय पौधे हैं जिसका प्रयोग फार्मेसियाँ अपनी दवाइयाँ बनाने के लिए करती हैं और इसकी जो अन्य खेती से इसकी जो पैदावार अधिक होती है और इसका जो आर्थिक लाभ है वो भी अधिक होता है और इसमें सरकार भी सहयोग करती है, कोई सब्सिडी वगैरह से सरकार इसमें सहयोग करती है जिससे किसानों को भी लाभ होता है। और इसका ये है कि इसमें आयुर्वेद विभाग भी सुरक्षा चक्र एक इनका योजना है उसके तहत अलग अलग जिलों में इसके ऊपर काम करवा रहा है। जी रोज ये बताएंगे जी कौन सी कंपनी लगवा रही है पौधे? ये हेल्थ केयर फाउंडेशन लगवा रही है। ये कहाँ से है? ये हेल्थ केयर फाउंडेशन एक हिमाचल प्रदेश की अपनी NGO है। जी जी वो पूरे हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है। और अश्वगंधा के बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप? अश्वगंधा का ये कि अश्वगंधा का हम यदि अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्रयोग करें जैसे नाना प्रकार की दवाई मोटापा वगैरह में भी काम आता है और इसकी जो जड़ है वही आर्थिक रूप से किसानों को सुदृढ़ करती है। जी धन्यवाद।